नेक्स्ट लाइन है, सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। प्रस्तुत कविता में कवि कह रहे हैं कि सुखिया ने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की विनती की थी, उसका पिता उसे उकसाकर उससे पुनः वही विनती सुनना चाहता था कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। मंदिर बहुत विशाल था जो एक पर्वत की चोटी पर स्थित था, उसके शिखर पर कलश के आकार के कंगूर थे जिन पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, मंदिर में धूप दीप का वातावरण व्याप्त था, अर्थात मंदिर के आंगन में धूप दीप की सुगंध आ रही थी तथा बाहर भीतर एक उत्सव की धारा मुखरित हो रही थी। भाव यह है कि मंदिर में उत्सव जैसा माहौल था तथा धूप दीप उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे।